हमें चिंता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। आप आदिवासी के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए नहीं है, सरकार उनके लिए नहीं है, पुलिस उनकी रक्षा के लिए नहीं है, आपने आदिवासी के लिए कौन सा रास्ता छोड़ा है? वो कहां जाए? मीडिया में उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई नहीं लिखता उसके बारे में। आदिवासी इस हेल्पलेसनेस की स्थिति में क्या होगा? अभी जनवरी 8 में 19 आदिवासियों को, जिसमें 15 पुरुष थे, 4 लड़कियां थी, उनको घरों से निकालकर लाइन में खड़ा करके पुरुषों को गोली मार दी गई, लड़कियों को रेप करके उसके बाद स्टैप करके मारा, और फोटोज हैं जिसमें वो उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई है। हमने कोर्ट में पूछा, भाई ये बताओ, तुम कह रहे हो एनकाउंटर था, एनकाउंटर में तो वो गोली मारते हैं, आप इधर से गोली मारते हैं, ये लड़कियों की इंटेस्टाइन क्यों बाहर आ गई, इन्हीं को क्यों स्टैप किया, आपने रेप किया और ये फर्जी एनकाउंटर है। हम एक साल से सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में FIR दर्ज हो जाए, हम FIR दर्ज नहीं करवा पाए हैं। मैंने कहा वहां के SP से, मैंने कहा कि ये लड़की अगर मेरी बेटी होती मैं तुम्हें मार डालता, लेकिन वो आदिवासी आज भी हमारे पास आता है और वो अभी भी कह रहा है कि क्या कोर्ट में मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं जानता हूं नहीं मिलेगा। आपने आदिवासी के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, आपने कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे बंद हैं, पुलिस के दरवाजे बंद हैं, कोई उसकी नहीं सुन रहा है, ऐसी हालत में वो क्या करेगा? और ये इस हिंदुस्तान के 80% लोगों को हमने इस विवशता की स्थिति में धकेल दिया है, और बाकी का सारा सरकार, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पुलिस वो हमारे लिए है, और हम सोचते हैं कि ये जब 80% लोग आएंगे लड़ने के लिए तो हमारी पुलिस इसको मार देगी, हमें बचा लेगी। और कभी कभी मुझे एक कल्पना होती है कि जैसे ये समाज एक पेड़ है बहुत बड़ा, और इस पर बैठे हुए हम सब बंदर हैं, और हम जो मोटे मोटे बंदर हैं वो इसकी फलदार शाखाओं पे काबिज हैं, और नीचे बहुत पतले पतले दुबले दुबले बंदर बैठे हैं, और वो इस इंतजार में हैं कि वो भी पेड़ पर चढ़ जाए, और 62 साल हो गए वो चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं, और हमने नीचे एक घेरा बना दिया है बंदरों का, मोटे मोटे बंदरों का, जो पुलिस है, और उसको हमने कहा है कि इन कमजोर बंदरों को चढ़ने मत देना, और हम ये सोच रहे हैं कि ये कमजोर बंदर कभी भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये पुलिस को ही क्यों मारते हैं, क्योंकि हम पुलिस को बीच में खड़ा कर देते हैं, जब भी कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है, कोई आवाज उठाता है तो बजाय, अब जैसे गांव में अगर लोग खड़े हो कि साहब हमारे यहां टीचर नहीं आता, तो वहां एजुकेशन ऑफिसर को जाना चाहिए, लेकिन हम पुलिस को भेजते हैं, पुलिस जाए और गांव वालों पर लाठियां चलाए कि तुम टीचर की डिमांड क्यों कर रहे हो। तो वो सारी लड़ाई पुलिस से होती है, तो हमने पुलिस को चारों तरफ खड़ा कर दिया है कि इस पेड़ के ऊपर ये जो कमजोर बंदर हैं ये चढ़ ना पाए। अभी मैं सेवाग्राम गया था, सेवाग्राम से लौटा हूं, वहां एक बहुत पुराने गांधीयन मुझे मिले, पहले वो बॉम्बे में मुझे मिले थे, बहुत बूढ़े हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, विनोबा जी के साथ काम किया, मेरे पिताजी के साथ। मैंने बॉम्बे में एक मीटिंग की, उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा डेमोक्रेसी में यकीन है? मैं डर गया, मैंने कहा ये पिताजी से शिकायत करेंगे कि तुम्हारा लड़का आजकल बड़े रेडिकल भाषण देता है, तो मैंने कहा जी है, बोले मेरा नहीं है। वो व्यक्ति जो आजादी की लड़ाई गांधी जी के साथ लड़ा था, आज वो कह रहा है मेरे डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। मुझे बहुत धक्का लगा। फिर वो मुझे सेवाग्राम में मिले और कहने लगे, भाई ऐसा है कि जो डेवलपमेंट में से इतनी वायलेंस निकल रही हो, जो डेवलपमेंट 80% लोगों को बाहर ही रख सकता है,
उससे तो अच्छा है डेवलपमेंट मत करो। भले ही ये मिनरल्स को जमीनों के नीचे रहने दो और 200 साल, कम से कम आदिवासी खेती करके तो खाएंगे। हमारे यहां हम लोग कहते हैं कि साहब आप तो डेवलपमेंट के विरोधी हैं, आप आदिवासी का विकास नहीं चाहते। उसका भी एक जरा सा वाकया सुना देता हूं। वहां पर एक एनएमडीसी है बेलाडीला दंतेवाड़ा में, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो ये दावा करती है कि वो 50 करोड़ रुपया आदिवासियों के विकास के लिए खर्च करती है। एक हेलीकॉप्टर गिर गया था और जब भी पुलिस उनके पायलट्स वगैरह को ढूंढने जाती थी तो गांव वालों के साथ झगड़ा होता था। तो उनके फैमिली मेंबर्स हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार के सदस्यों को ढूंढने में मदद कर दें। हम बेलाडीला के जस्ट पीछे वाले गांव में गए और वहां उस गांव में हमने देखा 40 साल से ऊपर का कोई भी आदमी जिंदा नहीं है, सब कुपोषण से और बीमारी से मर जाते हैं। एनएमडीसी अपना डस्ट और गंदा पानी उस गांव के ऊपर डालता है। हमने पूछा कि इस गांव में कभी कोई बाहर का आदमी आया था? उनका हां, 2 साल पहले पुलिस आई थी। तो हमने कहा क्या किया? 40 घर जलाए। वो अंधे थे, जब फोर्सेज आई तो वो भाग नहीं सके, उनको स्टैप करके मार दिया, वो तो बिस्तर में ही बैठे थे। एक लड़का आया था, उसने कहा कि मेरी मां की टांगे ही नहीं थी, वो भाग ही नहीं पाई, पहले उसके ब्रेस्ट काटे फिर उसको स्टैप करके मारा। तो हम अगर आदिवासियों को सिर्फ इसलिए मार देंगे कि हमें उनकी जमीनें चाहिए, तो मैंने जैसे बताया कि 3 लाख आदिवासी जो जंगलों में छिपे हैं, और सलवा जुड़ूम के बाद पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं कि नक्सलियों की संख्या में 22 गुना का इजाफा हुआ है। जो अभियान आपने नक्सलियों को कम करने के लिए चलाया था, उसने नक्सलियों की संख्या में 22 गुना का इजाफा कर दिया है। अब आप दोबारा फिर से फोर्सेस को भेज रहे हैं। अब जो वो 3 लाख आदिवासी जंगलों में बचे हैं, वो किस क्या बन जाएंगे, सोच लीजिए। और क्या आप इतने सारे लोगों को मार पाएंगे? मैंने वहां के एसपी साहब से कहा, मैंने कहा भाई, बस्तर के जंगलों में इतने सारे आदिवासियों को मारने के लिए तुमको कम से कम 50 साल लगेंगे, और इन 50 सालों में इनकी 2 नई पीढ़ी तैयार हो जाएंगी, और वो जो युद्ध के दौरान पैदा होंगे बच्चे, वो पूरी तरह लड़ाकू होंगे। तुम एक परमानेंट प्रॉब्लम के बीज बो रहे हो। आदिवासी के अधिकार की को मान लो कि ये जमीन उसकी है, उसको इस पर से डिस्प्लेस मत करो और अपना विकास का मॉडल उसके ऊपर मत थोपो। आपका विकास का मॉडल तो फेल हो चुका है। वो सिर्फ गांधी जी ने कहा था, तुम्हारा जो ये विकास का मॉडल है, इसमें से 2 चीजें निकलेंगी, एक तो निकलेगी वॉर और दूसरा निकलेगा पर्यावरण का विनाश, और इन दोनों चीजों से तुम खत्म हो जाओगे। और ये हम देख रहे हैं, आदिवासी के जीवन में न कॉन्फ्लिक्ट है न पर्यावरण का विनाश है, लेकिन हम अपने इस घमंड में कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हमारे विकास के मॉडल को आदिवासी को मान लेना चाहिए, और अगर वो नहीं मानेगा तो हम पुलिस के बल से मनवाएंगे। मान, यही डेवलपमेंट होता है, अपनी जमीन दे, उखड़ यहां से, क्योंकि तेरा डेवलपमेंट इसी बात में है कि हम तेरे यहां एक प्लांट लगाएंगे, हम तेरे सारे मिनरल्स को लेंगे, उसी में तेरा डेवलपमेंट है। और वो हमारी इस बात को मान नहीं रहा है, वो कह रहा है मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा इससे, मैं नहीं हटूंगा। और उसका साथ देने के लिए कुछ लोग आ गए हैं, वो उनको अपना दोस्त समझ रहा है। अब आप सोच लीजिए, इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए जिससे ये समस्या सुलझ सके। अगर आप प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, एक दिन आप ही को भुगतना होगा। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर।
There is cocktails and dinner being served on the other lawn. Do help yourselves and obey Ram, who said that we should take a break long time ago. Thank you.